सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दांत दर्द के बारे में, उसके सबसे अच्छे घरेलू उपाय के बारे में। तो ऐसे ही असरदार घरेलू नुस्खे एंड मेडिसिन रिव्यू के लिए आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। हेलो इंडिया, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आई एम आयुष। सो गाइस, दांत दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि दांतों में कीड़ा लग जाने की वजह से, या फिर दांतों की सफाई अच्छे से ना होने की वजह से, या मुंह में अत्यधिक बैक्टीरिया हो जाने की वजह से, या आपके दांतों के बीच में खाना फंसे रहने की वजह से। एक्चुअल में होता क्या है, जो खाना होता है वो आपके दांतों में फंसा रहता है एंड वो धीरे धीरे अपनी एक जगह बना लेता है आपके खाने में और वहाँ पर सड़न पैदा कर देता है, जिसके चलते आपके दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में दर्द नहीं भी है फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके दांतों में दर्द कभी भी किसी भी टाइम होना स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि गाइस, अगर रात में आपको दर्द होता है तो उस टाइम आप डॉक्टर से आई थिंक नहीं मिल सकते हैं, तो उस टाइमिंग पे आपको ये नुस्खे काफ़ी मददगार साबित होंगे एंड आप सुबह अपने डॉक्टर से, अपने डेंटिस्ट से मिलकर अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। नुस्खे को बनाने के लिए हमको चाहिए एलम, यानी कि फिटकरी। एंड याद रखें, जनरल स्टोर पे मिलने वाली सोप के आकार की फिटकरी ना लें। आपको किसी पानसारी की दुकान पे जाके, जैसे रेलवे ट्रैक पर जो गिट्टी होती है उसके शेप में मिलेगी वो फिटकरी, ओरिजिनल फिटकरी आपको लेना है। फिटकरी से मुझे एक चीज़ और याद आती है, अगर आप अपने हाथों को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करते हैं तो आप उसका जो है अल्कोहल होता है उसमें आप उसको अवॉइड करें। एंड फिटकरी जो होती है उससे बेस्ट सैनिटाइज़र कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो है फिटकरी को लेना है एंड उसको 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों में रगड़ना है एंड आपके पूरे हाथ जो है सैनिटाइज हो जाएंगे। और अगर आप अल्कोहल सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं तो उससे आपके हाथों में रैशेस हो सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो अवॉइड अल्कोहल सैनिटाइज़र। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। एंड गाइस, अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे। तो गाइस, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको, आप एक गिलास में गुनगुना पानी लें एंड आप जो फिटकरी होती है उसको छोटे टुकड़े को 20 से 30 सेकंड उसमें डालें, या फिर आप फिटकरी के छोटे से टुकड़े को पीस के, कम से कम आधा चम्मच पूरी जो फिटकरी है उसको पीस के आधा चम्मच उसका पाउडर बनाएं एंड उसको उस पानी में डाल दें, ठीक है। उसके बाद में उसको अच्छे से मिला लें ताकि वो पूरी तरीके से मिल जाए, उसका कलर हल्का सा वाइट हो जाएगा। एंड एक चौथाई चम्मच उसी में सेंधा नमक आपको डालना है, जिसको हम व्रत का नमक एंड रॉक्स सॉल्ट भी कहते हैं। एंड अब जो है आपको इसे अच्छी तरह से मिलाना है। एंड अब इस पानी से आपको जो है कुल्ला करना है, अपने मुंह में उसको रखना है जब तक आप उसको रख सकते हैं एंड फिर थूक दें, फिर मुंह में लें एंड जहाँ पे आपके दर्द है वहाँ पर पानी को ले जाएं एंड फिर उसे थूक दें। ऐसा करते करते आपको अपनी पूरी गिलास को खाली करना है। इससे आपको आपके दांत दर्द में कुछ हद तक फ़ायदा मिलने लगेगा। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है, एक कटोरी में एक चौथाई चम्मच को फिटकरी को लेना है पिसे हुए उसी पाउडर को, एंड उसी में ही आपको एक चौथाई चम्मच डालना है सरसों का तेल। याद रखें, सादा सरसों का ओरिजिनल तेल ही डालें, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। एंड उसको अच्छे से जो है शेक करके उसका एक बेहतरीन पेस्ट बना लें। एंड उसके बाद में आपको कॉटन लेनी है, यानी कि रुई लेनी है, और उसी पेस्ट में उसको डुबोना है। जब वो पूरी येलो कलर की हो जाएगी तो आपको उसको उस दांत पर रखना है जहाँ पर दर्द हो रहा है, उसके ऊपर रख के, या अगर उसमें खोखा टाइप का है तो आप उसमें रख कर ऊपर से दांत को दबा लें ताकि वो जो रुई है वहाँ पर दबी रहे। एंड इसके बाद में आप अपने मुँह को बंद कर लें एंड जो है लार जो आपकी बनती है उसको जितना हो सके कम बनने दें, और जो लार बन जाए उसको बाहर थूक दें। ऐसा आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक अपने मुंह में रखना है, इससे आपको एक बेहतरीन दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको जो है मेरे को इस वीडियो पर कमेंट करना है कि आपको आपके दर्द में कितना फ़ायदा मिला। सो आई होप गाइस, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको कीजिएगा लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, Be healthy, love you India.